आज मैं आपके साथ पापड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पापड़ी जो कि हम दही बड़ों, छोले या किसी भी दूसरे दही बड़े, मूंग की दाल के दही बड़े या जिसमें भी डाल के हम खा सकते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। मैदा है 1 कप और घी है, मेल्टेड घी पिघलावा, और ये हमें यूज़ भी हल्का सा नीम गरम करना है। ये है 3 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, अजवाइन है 1/2 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, और ये पानी है गूंदने के लिए। मैंने एक थाल ले लिया है, इसमें मैं ये जो 1 कप मैदा है ये डाल रही हूँ, इसके साथ ही नमक 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और पहले ये जो घी है इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। और अब ये जो मेल्टेड घी है ये पूरा हम इसमें शामिल करते हैं। ऑयल इसलिए मैं शामिल नहीं कर रही क्योंकि ऑयल से जो है वो इसमें पापड़ी में जो है वो बबल्स आ जाते हैं या फिर थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाती है। घी से बनाने में क्रिस्प रहती है और वही बात के शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ब्रेड क्रम की तरह से हो गया है। और पापड़ी का जो आटा होता है वो थोड़ा सा मीडियम होता है, ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ज़्यादा हार्ड होता है। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। क्वार्टर कप पानी मैं शामिल कर चुकी हूँ। अब ये थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि पानी और थोड़ा सा शामिल करना पड़ेगा। पानी बहुत एहतियात से शामिल कीजिएगा क्योंकि अगर ज़रा सा भी आटा सॉफ्ट हो गया तो फिर आपको मज़ीद मैदा ड्राई ऐड करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको अच्छी तरह से गूंद के दिखाती हूँ। आटा गूंद चुका है और ये देखें इस तरह से आटा गूंदना है। और अब इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए ये एक कपड़ा सफ़ेद लेके या कोई भी साफ़ कपड़ा लेके और उसको थोड़ा सा पानी में भिगो दिया है और उसको फिर हम इस पे कवर करके छोड़ देंगे ताकि क्रस्ट ना जमे। अब मैं आपको फिर 20 मिनट बाद बताती हूँ। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल हमारा आटा तैयार है। अब इसके बाद हम इसको स्लेब पे रख के बेलते हैं। ये आटे को हम आधा हिस्सा कर देंगे ताकि, और आधे को हम इसी में वापस रख के दोबारा से ये कपड़ा डाल देंगे ताकि ये सूखे नहीं। और इसको काउंटर पे अच्छी तरह से पहले स्मूथ कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो खुश्की लगाएंगे और अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर हम इसको ऐसे ही बेलेंगे। पराठे से थोड़ा पतला होना चाहिए और चपाती से थोड़ा मोटा होना चाहिए। ये देखें ये मैंने रोटी बेल ली है और ये ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ज़्यादा मोटी, बस। अब इसके बाद हम कोई भी राउंड कटर ले लेंगे। मेरे पास एक ग्लास है, मैं इससे काट रही हूँ।
तरह से हमने काट लिया। अब हम इसको फोर्क की मदद से इसमें होल कर लेंगे। अभी जो एक्स्ट्रा आटा है इसको मैं यहाँ से निकाल के दोबारा से इसको मिला दूँगी और फिर उसके बाद दोबारा से इसकी रोटी बेलूँगी। जब तक कि एक ट्रे लेके हम इसमें अपनी ये उठा के इसी तरह से मैं सारी पहले बेल लूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने बेल ली है। मैंने कुछ छोटी बनाई है और कुछ पापड़ी बड़ी बनाई है। छोटी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से बनेंगी और बड़ी बनाने के लिए इसी तरह से रोटी बेलेंगे। और यूँ पहले तो कटर से काट लेंगे, फिर ये एक्सेस निकाल के एक एक को उठाएंगे। और उसको मज़ीद फैला लेंगे। छोटी बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर बड़ी बनाना चाहें तो वो इस तरीके से बनेंगे। ये देखिए हमने पैक कर लिया, अब ये उठाया और इस तरह से कुछ छोटी रहने देंगे और कुछ बड़ी तल लेंगे। मैंने ये दोनों पापड़ी बेल ली हैं, अब इसको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई में तेल डाल के मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तेल ना बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। अभी तेल एक डाल के चेक कर लेते हैं। सही, तेल बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें और पापड़ी भी डाल देते हैं। एक वक्त में चार से पांच पापड़ी डाल के फ्राई करें, ज़्यादा नहीं डालें। अगर पापड़ी डालते के साथ थोड़ी देर बाद ही ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब है आपका ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अब इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ट्रिप मैं निकाल चुकी थी और मैंने सेकंड ट्रिप भी डाल दी थी, अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ। मैंने कहा आपको बता दूँ, इसमें असल में बहुत ज़्यादा इत्मीनान की ज़रूरत होती है। पापड़ी तलने में काफ़ी टाइम लगता है, एक एक बैच कम से कम 10 मिनट लगाता है फ्राई होने में। इसको अच्छी तरह से करके ये देखें, ये इस तरह से निकालें। अब और भी मज़ीद हैं, मैं सारी फ्राई करके फिर एक साथ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारी पापड़ी तैयार है और ये बहुत क्रिस्पी बनी है। बस इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है तो बहुत ज़्यादा इत्मीनान की ज़रूरत है। 10 से 15 मिनट लगते हैं
बहुत ही दरमियानी आँच पे इसको फ्राई करना है। अगर आपने तेज़ आँच पे इसको फ्राई किया तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इस तरह से क्रिस्प नहीं होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्प हो तो बहुत इत्मीनान के साथ इसको फ्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।